आने वाला 16 दिसंबर बहुत ही खास है, ध्यान से सुनिए। इस दिन षडशीति धनु संक्रांति है। समय शाम 4:09 से सूर्यास्त तक। पद्म पुराण के अनुसार इस योग में किया हुआ सत्कर्म और जप सब 86,000 गुना पुण्यदायी होता है। इसी दिन से उत्तरायण यानी मकर संक्रांति तक धनुर्मास रहेगा। इसको खरमास भी कहते हैं। संस्कृत में गधे को खर कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य अपने रथ के घोड़ों पर दया करके उनको आराम करने और पानी पिलाने के लिए तालाब किनारे ले गए, परंतु सूर्य भगवान यदि रुक जाएं तो सृष्टि कैसे चलेगी, उनको रुकना मना है। इसलिए तालाब के पास खड़े हुए खर यानी गधों को रथ में लगा दिया। गधे तो अपनी गति से ही चलेंगे, इसलिए सूर्य के रथ की गति धीमी पड़ गई। सूर्य की गति धीमी होने के कारण इस मास में कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, ग्रह प्रवेश, विवाह आदि सभी मांगलिक कार्य वर्जित है। लेकिन इस मास में कोई सूर्य उपासना करे तो बहुत अधिक लाभ होता है। सूर्य उपासना में रोज आप सूर्योदय के समय अर्घ दें भगवान सूर्य को, लोटे में जल, कुमकुम और लाल पुष्प डालकर। भगवान सूर्य ग्रहों के स्वामी हैं। इस उपासना से हमारे जीवन में धर्म का बल बढ़ेगा, हमारी सूझबूझ बढ़ेगी, कुभाग्य को सौभाग्य में आप बदला हुआ पाएंगे। अर्घ ही तो देना है, देकर देखिए।